इस्तेमाल करके हम किसी जादुई किसी मैजिक से कम रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। आज मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसे ही एक जादू भरा तेल लेकर आई हूँ। ये मैजिकल हेयर ऑयल आपके बालों के ऊपर गजब के रिजल्ट छोड़ने वाला है और सच में इंग्रीडियंट्स जब आप देखोगी तो आप खुद कहोगी कि ये तेल नहीं जादू है। तो इसकी एक एक गुण में ऐसे गुण समाये हैं गाइस जो कि आपके बालों पे गहरे से गहरा असर छोड़ने की तासीर रखते हैं या आपके स्कैल्प इन्फेक्शन को दूर करेगा। आपके बालों पे अगर खुश्की आती है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, वो भी खत्म होगी। अगर आपकी हेयर ग्रोथ रुकी हुई है वो भी बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाएगी। झड़े हुए बालों को दोबारा से उगाने की तासीर इसके अंदर मौजूद है। और साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चों की हेयर ग्रोथ करना चाहती हो, बचपन से ही आपके बालों बच्चों के बालों के ऊपर ग्रोथ नहीं आई हुई है, बाल उनके बढ़ते नहीं हैं या फिर गंजपन की शिकायत है, स्कैल्प इन्फेक्शन है, इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं और बहुत ज़्यादा झड़कर टूटकर पतले हो गए हैं तो उनको भी नई तेज़ी से नई ग्रोथ करने के लिए ये बहुत कमाल का काम करेगा। ठीक है, तो आज का हेयर ऑयल मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाए, क्योंकि मुझे ना उसी से मोटिवेशन मिलती है यार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करो विद बेल आइकन, ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी होती जाए और मुझे उससे मिलती है बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारा अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस तेल को हमें किस तरह से बनाना है और इसके मैजिकल रिजल्ट कैसे आने वाले हैं और इनमें हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस मैजिकल ऑयल को बनाने के लिए गाइस यहाँ पे हमें ज़रूरत है ताज़ी एलोवेरा की पत्तियों की। ठीक है, आपको 5 से 7 पत्तियाँ ले लेनी है और आपको इन पत्तियों को 8 से 10 घंटे पहले पेड़ से तोड़ कर रख लेना है ताकि इनके अंदर जो येलो लिक्विड निकलता है वो निकल जाए, क्योंकि वो ना हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है और ना ही हमारे बालों के लिए। अब इन पत्तियों के ऊपर देखिए गाइस बहुत सारी गंदगी जमा है, बहुत सारी धूल मिट्टी जमा है, लिक्विड निकल कर सूख गया है, तो यहाँ पर इन पत्तियों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। एलोवेरा जेल जो होता है वो कुदरती तौर पर हमारे बालों को नर्म, मुलायम और घना बनाता है, साथ ही साथ बालों को रेशमी करता है। अगर आपके बालों के ऊपर बिल्कुल भी शाइन नहीं है तो ये शाइन को भी लेकर आता है और स्कैल्प को नई ताजगी देता है। तो यहाँ पे आप देखो सारी पत्तियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इनकी जितनी भी गंदगी थी उनको मैंने निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है, साइड से जो इसमें कांटे होते हैं ना गाइस उनको आपको हटा देना है। ठीक है, और इन सारी पत्तियों को आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम साइज़ के टुकड़ों में आप इनको काट लेना ताकि हमें इसे पीसने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं इनको पहले छोटे छोटे से पीसेस में कट करे ले रही हूँ। तो यहाँ पे सारी पत्तियों को मैंने काट लिया है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं साइड में कर दूंगी। और यहाँ पे एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट हम इन पत्तियों के साथ ही इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आपको चाहिए सर्दियों में भरपूर बाजार में आने वाला आंवला। इसके आयुर्वेदिक गुण आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या करता है, कमाल के मैजिकल रिजल्ट हमारे बालों के ऊपर देता है। और साथ ही साथ वक्त से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो बालों को पिगमेंट देता है, काला बनाता है, बालों को लंबा और घना करता है और बालों को तेज़ी से बढ़ाता है, यानी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है आंवले के इस्तेमाल से। और भरपूर विटामिन सी का ये सोर्स है। तो यहाँ पे 7 से 8 आंवले ले लेना आप और उनको भी छोटे छोटे पीसेस में आपको काट लेना है और यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को आपको डालना है मिक्सर जार में। मिक्सर जार में डालकर ही हम इसको पीसेंगे, बट उससे पहले भी हमें कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों को मिक्सर जार में डाल दिया है गाइस। और यहाँ पे अब हमें ज़रूरत है एक अदरक के टुकड़े की, इतना बड़ा आप टुकड़ा ले लेना और इनको आपको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अब अदरक का मैजिकल रिजल्ट आप सुन लीजिए पहले। अदरक क्या करती है कि बहुत तेज़ी से बालों की जड़ों के अंदर जाकर आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है, नए बाल उगाने में मदद करती है। जिस जगह पे भी आपके बाल उड़ गए हैं या फिर गंजे हो गए हैं जहाँ से आप, वहाँ पे नए बाल लेकर आता है। तो यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा अदरक का आपको इसमें ऐड करना है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स। करी लीव्स क्या करती है, ये आपके बालों को टूटने और झड़ने से रोकती है, साथ ही साथ बालों को नरिशमेंट देती है, बालों को बढ़ने में मदद करती है। तो एक मुट्ठी तकरीबन आपको करी लीव्स ले लेनी है और इनको अच्छी तरह से आपको धो लेना है, इनकी पत्तियों की धूल मिट्टी आपको निकाल देनी है। ठीक है, अब ये करी लीव्स की पत्तियां भी हम इसी में ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं ना गाइस, वो इस तेल को और भी मैजिकल बनाने वाली है। यहाँ पे 1 चम्मच आपको लेना है काली मिर्च।
काली मिर्च हमारे बालों की बंद जड़ों को खोलकर नए बाल उगाने में हेल्प करती है, साथ ही साथ बालों को पिगमेंट और काला बनाती है, साथ ही साथ बहुत तेजी से बाल हमारे इसके इस्तेमाल से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इस तरह के पेस्ट फॉर्म में पीस लेनी है, पानी बिल्कुल आपको ऐड नहीं करना है। यहाँ पे देखें आप, मैंने बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि फ्लेम पे आपको रख देना है कढ़ाई। कढ़ाई जब आप रखोगे तो फ्लेम की जो आँच है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। ये पूरा पेस्ट हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, बिल्कुल भी ये हमारा जो चीज़ है जितना भी पेस्ट है ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। यहाँ पे पूरा पेस्ट मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है गाइस। और यहाँ पे अब हम इस्तेमाल करेंगे तिल के तेल का। ये ऐसा हल्का तेल होता है जो आपके बालों को चिपचिपा नहीं बनाता है। जितने भी ऑयल रेडीमेड वाले मार्केट वाले हम यूज़ करते हैं ना, उसमें तिल के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो 100 ग्राम आपको तिल का तेल इसमें ऐड करना है, जो कि हमारे बालों को नरिशमेंट भी देता है, बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। सेकेंड ऑयल जो हम यूज़ करेंगे वो है जैतून का तेल। अगर आप इस तेल को सिर्फ तिल के तेल में बनाना चाहती हैं उसमें बना सकती हैं, बट मैं इसको और भी अच्छा इफेक्टिव बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें 100 ग्राम ही तकरीबन जैतून का तेल डाल रही हूँ गाइस। ये फिगारो मैंने लिया है, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चाहे तो आप बाई कर सकते हो। दोनों तेलों को मैंने इस पेस्ट में डाल दिया है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि खोलते हुए गर्म तेल में पेस्ट नहीं डालेंगे, पहले पेस्ट डालेंगे फिर ऑयल डालेंगे। ठीक है, अब इसको आपको लो फ्लेम पे ही छोड़ देना है और इसको पकने देना है आराम से धीमी आंच पर। धीमी धीमी आंच पर जब आप ये ऑयल पकने के लिए छोड़ेंगी तो ये जितना भी आंवला है, जितना भी हमने चीज़ें ऐड करी हैं, सबकी प्रॉपर्टीज, सबकी गुण इस ऑयल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। मैं बीच बीच में इसको चलाती जा रही हूँ ताकि ये चीज़ें हमारी जले नहीं। हमें इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, धीमी आँच पर तकरीबन आपको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। यहाँ पे 20 मिनट हो गए गाइस और आप देख सकती हो ये जो ऑयल था ये हल्की ब्राउन चीज़ें हो गई हैं सारी, और ये जो तेल का कलर है वो भी चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस ऑयल को हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि मैं एक बाउल ले रही हूँ, कांच का बाउल लिया है। उसके ऊपर आपको कोई सा भी एक रेशमी कपड़ा ले लेना है, या फिर आप चाहें तो कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकती हूँ, जिससे कि तेल हमारा अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए, यानी हमें इसको छानना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसमें सारे पेस्ट को मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद हम इसको स्क्विश करेंगे, यानी निचोड़ना है हमें इसको, ताकि पूरा तेल हमें मिल जाए। तो इस तेल की एक एक बूंद बहुत मैजिकल काम करने वाली, बिल्कुल ज़ाया नहीं जाने देना है। और पे जिस तरह से जैसे जैसे मैं निचोड़ रही हूं ना, जैसे मैं इसे स्क्विश कर रही हूं, पूरा का पूरा तेल हमारा ये बाउल में आ रहा है गाइस। गजब के रिजल्ट वाला तेल है सच में। इंग्रेडिएंट्स ही इतने अच्छे हमने डाले। अब आप खुद सोचो कि आंवला, एलोवेरा, काली मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें गुणों का भंडार है, हमारे बालों के ऊपर कितने मैजिकल रिजल्ट लेकर आएगा। कोई भी हार्मफुल केमिकल इसके अंदर मौजूद नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीजें। तो क्या मुझे अब बताने की ज़रूरत रह गई है गाइस कि ये तेल कितना मैजिकल काम करेगा हमारे बालों के ऊपर? तो यहाँ पे कोई भी ग्लास का कंटेनर है, कोई भी बॉटल है आपके पास प्लास्टिक का है, उसमें आप इस पूरे के पूरे तेल को स्टोर करके रख लो और इसकी एक एक बूंद को आपको बिल्कुल भी गिरने नहीं देना है। सारा का सारा तेल आपको इस तरह से स्टोर करके रख लेना है। 2 महीने तक भी आप इसका इस्तेमाल करोगी ना, ये आपका तेल ख़राब नहीं होगा। सर्दियों में मैजिकल रिजल्ट देगा, बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा, बहुत अच्छी सी शाइन लेकर आएगा। रिजल्ट देखकर आप खुद चौंक जाने वाले हो। तो चलिए अब जल्दी से इसको लगाना, मैं बताती हूँ कि कैसे लगाना। तो इस ऑयल को मैं नाइट में अप्लाई कर चुकी हूँ गाइस, इसलिए मैं अप्लाई करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर से मुझे फिर अपने बाल वॉश करने पड़ेंगे। ठीक है, बट मैं आपको इसको लगाने का सही तरीका बता दे रही हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूज करना है, ताकि इसके जो असर है, जो रिजल्ट्स हैं, आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, तो इस ऑयल को आपको उतना ले लेना है जितनी कि आपके बालों की ग्रोथ है। ठीक है, बालों की ग्रोथ के और लेंथ के हिसाब से ये ऑयल आपको एक कटोरी में ले लेना है। और उसके बाद पार्टिंग करते हुए, यानी छोटी छोटी सी पार्टिंग आप करोगे और इस ऑयल से अपने स्कैल्प के ऊपर अपने फिंगर टिप से आपको मसाज करते हुए इस ऑयल को अपने बालों की जड़ों में आपको पेनिट्रेट करना है। वक्त आपको देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट का, और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से आपको ऐसे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इस ऑयल को अपने बालों की जड़ों में पेनिट्रेट करना है। नाइट के वक्त ही आप लगाओगी और इस ऑयल को
ओवरनाइट आपको लगाकर छोड़ देना है, ठीक है। रात में लगाओगी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इसका असर जो है दुगनी तरीके से आपकी बालों के ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरनाइट ये तेल आपके बालों के ऊपर वर्क करेगा, बालों की जड़ों के अंदर जाकर उन्हें मजबूती देगा, बालों को काला लंबा घना बनाएगा। मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की अब जरूरत नहीं है कि ये ऑयल जो है क्या जादुई असर आपके बालों के ऊपर करने वाला है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे हमने यूज किए हैं, ठीक है। तो आपको इसको यूज करना है और अल्टरनेट डेज यूज कीजिए, एक दिन छोड़कर आप कीजिए। मॉर्निंग में आप अपने बालों को वॉश करोगी किसी भी माइल्ड शैम्पू से, किसी भी प्रोटीन शैम्पू से, आयुर्वेदिक कोई भी शैम्पू आप अपना सकती हो गाइस। बच्चों के ऊपर अप्लाई कीजिए या फिर आपके घर के जितने भी सदस्य हैं इस तेल को जरूर यूज करें, जरूर ट्राई कीजिए, बहुत मैजिकल रिजल्ट है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है और निगार के इसी तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि आगे आपके लिए इसी तरह के घर बैठे मैं बहुत हेल्पफुल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।